नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आप देख सकते हैं यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक एक पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, देखिए तो दोस्तों, जैसा कि कहा था कि मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया जनरल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया फंक्शनल ग्रुप बेस क्लासिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो गया ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा हो गया क्लोज चेन कंपाउंड, जिसमें आप देख सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड का एक और नाम होता है, कई नाम होता है, इसमें एसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, एलिफैटिक कंपाउंड हो गया। और देखिए आगे, देखिए दोस्तों, क्लोज चेन कंपाउंड और इसी का अगला नाम हो गया साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आप देख सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसी का क्लोज चेन कंपाउंड का डिस्क्राइब किया गया, मतलब डिवाइड किया गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी एक नाम और जाना जाता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, बेंजोनाइट कंपाउंड और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। तो दोस्तों, एंड ओपन चेन कंपाउंड को भी फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से डिवाइड किया गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, देख पाएंगे पूरे एक एक का फुल डिफाइन, कैसे किस तरह से क्या होता है, ये सारे टॉपिक। ओके, बने रहिए मेरे चैनल पर, देखिए आगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड, उसी का नाम होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन आइटम अरेंज और लिंक्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म एन ओपन चेन। दिस कार्बन चेन में स्टेट हो या ब्रांच आर नॉन एज ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड, इसी को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, CH3CH2CH3 प्रोपीन हो गया, CH3CH2CH2CH3 पेंटेन हो गया। आप और देख सकते हैं 2-methyl ब्यूटेन हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड स्ट्रेट चेन हो गया, 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये ब्रांच्ड हो जाएगा। और देखिए आगे इस वीडियो में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एग्जांपल हो गया 2-butene का हो गया, ब्यूट 1-in-3-ion हो गया, 1-butene हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा एग्जांपल ओपन चेन कंपाउंड का, और देखिए आप ओपन चेन कंपाउंड के बारे में। तो दोस्तों, ओपन चेन कंपाउंड विच कंटेन ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ओनली सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड बिटवीन कार्बन आइटम आर सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब अब सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड जब कार्बन चेन बना रहेगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। उसी के अलावा दो जो ओपन चेन कंपाउंड इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन आइटम आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जब दो या तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। इन ओपन चेन कंपाउंड आर आल्सो नॉन एज एलिफैटिक कंपाउंड, और ओपन चेन कंपाउंड का दूसरा नाम हो गया एलिफैटिक कंपाउंड, बिकॉज इन एंशियंट टाइम द मेन सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड आर फैट ऑफ एनिमल्स, ग्रीक वर्ड एली मीन्स एनिमल्स, फैट्स मीन्स फैटस मीन्स फैट। अब दूसरा हो गया क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो ये क्या होता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन आइटम आर लिंक्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज चेन आर नॉन एज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो दोस्तों, और आगे देखिए इस वीडियो में, तो दोस्तों देख रहे हैं ये हो गया एग्जाम्पल क्लोज चेन का, मीन्स साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, फ्यूरोन हो गया, टाइफेन हो गया, डाइसाइक्लोप्रोपेन हो गया, एंथ्रासीन हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने एग्जाम्पल क्लोज चेन कंपाउंड का, और देखिए इस वीडियो में क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है। तो दोस्तों, द क्लोज चेन कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन क्लोज रिंग आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड वेल क्लोज चेन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन क्लोज रिंग आर नॉन एज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर एक होगा तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, और तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होगा।
फर्दर इसको भी कई ग्रुप में क्लासिफाई किया गया क्लोज चेन को, तो आप देख सकते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड किया। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो दोज क्लोज चेन कंपाउंड विच कॉन्टेन ओनली कार्बन आइटम आर आइटम ऑन एच पॉइंट ऑफ द क्लोज साइकिल आर नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन केवल हो उसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। देख सकते हैं एग्जाम्पल में साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम फॉर्म ए क्लोज चेन। और आगे देखिए इस वीडियो में, हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आर नॉन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कंपाउंड आर सिमिलर टू एलिफैटिक कंपाउंड, देयर फॉर इट इज नॉन एज एलिफैटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोज क्लोज चेन कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। द वर्ड एरोमेटिक डिराइव फ्रॉम एरोमा मीन्स क्लोजेंट स्मेल, मीन्स खुशबूदार स्मेल हो तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं बेंजीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, नेप्थलीन हो गया। और देखिए एग्जाम्पल दोस्तों, ये हो गया फिनॉल हो गया, वेंजन एल्डिहाइड हो गया, एरिलिन हो गया, क्लोरोवेंजिन हो गया। तो दोस्तों देखा आपने एग्जांपल। अब एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वेंजनाइड कंपाउंड और नॉन वेंजनाइड कंपाउंड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेंजनाइड कंपाउंड क्या था, तो दो एरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन एक्चुअली वेंजिन रिंग जो कंटेन में उपलब्ध हो आर कम्स अंडर बेंजोनाइड कंपाउंड, जिसमें वो बेंजोनाइड कंपाउंड में आएगा। और उसी का जस्ट अपोजिट होगा नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, जिसमें दोज क्लोज चेन कंपाउंड विच कंटेन कार्बन रिंग सिमिलरली टू बेंजीन रिंग, कार्बन रिंग के साथ बेंजीन रिंग सिमिलरली होगा, लेकिन एक्चुअली में बेंजीन रिंग नहीं होगा, उसे नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड कहेंगे। आप एग्जाम्पल अगले पेज में देख सकते हैं, ये नहीं है। ओके, बने रहिए मेरे चैनल। और आप यहाँ तक वीडियो देखें तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू। और देखिए आगे वीडियो में, तो दोस्तों आपने देखा ये हो गया एजुलिन स्ट्रक्चर हो गया, ट्रोपोलिन हो गया स्ट्रक्चर। अब हेट्रोसाइकिल, आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड देख चुके हैं। आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अदर देन कार्बन आइटम इज प्रेजेंट इन द क्लोज चेन आर नॉन एज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आप एग्जांपल में देख सकते हैं फ्यूरिन हो गया, टाइफिन हो गया। ओके, आगे देखिए और पेज में, तो दोस्तों आप एग्जांपल में देख सकते हैं पायरोल देख सकते हैं, पायरोडीन हो गया। अब आप दोस्तों नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं कार्बन एक से कार्बन दस तक, तो कार्बन एक को बोलेंगे मिथ, कार्बन दो को बोलेंगे ये, तो तीन को प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन को पेंट बोलेंगे, छह कार्बन को हेक्स बोलेंगे, सात कार्बन को हेप्ट बोलेंगे, आठ कार्बन को ऑक्ट बोलेंगे, नौ कार्बन को नॉन बोलेंगे, दस कार्बन को डेक बोलेंगे, और अल्केन को जैसे कार्बन वन को अल्केन में एनी जोड़ेंगे, तो मिथ में एनी जोड़ेंगे तो मीथेन हो गया, उसका अल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। तो मीथेन में भी कार्बन एन के जगह पर वन पुट करेंगे तो CH4 आ जाएगा, मीथेन हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, इथेन हो गया, प्रोपेन का C3H8 हो जाएगा, H8 ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C17H16, ऑक्टेन का C8H18, नॉनिन का C9H20, डेकेन का C10H20। तो देखा दोस्तों आपने अल्केन का, और उसमें एक हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो अल्काइल ग्रुप देगा हमें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये अल्काइल हो गया, अल्काइल का फॉर्मूला हो गया CnH2n+1, मीन्स एक हाइड्रोजन अल्काइन अल्केन में से रिमूव करेगा तो मीथेन से मिथाइल बनेगा, CH3 हो जाएगा, इथेन से इथाइल बनेगा तो C2H5 हो जाएगा। उसी तरह से देख सकते हैं प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, एक्साइल हो गया, हेप्टाइल हो गया, ऑक्टाइल हो गया, नाइल हो गया, डेकाइल हो गया, और फार्मूला भी देख सकते हैं दोस्तों। तो और आगे देखिए वीडियो में,
तो दोस्तों आपने पीछे देखा अल्केन का, आप देखिए अल्केन का तो उसी तरह से कार्बन 1 से 10 हो गया, तो कार्बन का नेमिंग तो जानते हैं। और अल्केन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n। और इसमें आप दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, मीथेन जो है अल्केन में प्रोवाइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में, आपको मैं एक वीडियो में बताऊँगा और आगे जान सकते हैं मीथेन क्यों नहीं बनता है। तो दोस्तों ये 1 सेकेंड का 3000 भागमा में मीथेन बनता है और ख़त्म हो जाता है, जो अनस्टेबल है इसलिए मीथेन नहीं बन पाता, तो इथिन से स्टार्ट होता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेमिंग किस तरह से किया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं भी, इथिन हो गया, प्रोपिन हो गया, ब्यूटिन हो गया, पेंटिन हो गया, हेक्सिन हो गया, एप्टिन हो गया, ऑक्टिन हो गया, नॉनिन हो गया, डेकिन हो गया, और फार्मूला भी देख सकते हैं दोस्तों। तो और मैं आपके लिए आगे जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखा अल्केन, देखा अल्किन, देखा अब देखिए दोस्तों अल्काइन, अल्काइन में भी उसी तरह ठीक हो गया। अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2, इसमें और दो कार्बन माइनस हो जाएगा, इसमें भी मिथाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठीक उसी तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कार्बन एक को दो, एक तो पॉसिबल नहीं है, दो को इथ बोलेंगे तो ये इथ से बन जाएगा इथाइन। फार्मूला भी देख सकते हैं C2H2E2C3 को प्रोप से प्रोपाइन बनेगा C3H4। उसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे कार्बन 10 तक, डेकाइन को C10H18। तो दोस्तों और आगे देखिए वीडियो में। दोस्तों आपने पीछे गौर किया होगा कि इसका नेमिंग किस तरह से किया जा रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेमिंग करने का नियम दिया गया है, तो आप देख सकते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ लाया गया जो नोमेनक्लेचर के लिए नेमिंग को मायने रखता है। तो आप जानते होंगे IUPAC का फुल फॉर्म, अगर नहीं जानते तो आप डिराइव देख सकते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो 1960 में गठन हुआ जिनेवा में। तो दोस्तों आप किस तरह से कोई भी नोमेनक्लेचर का नेमिंग कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल फर्स्ट क्या कहता है, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन चेन एटम, इट इज डिराइव ऑफ एल्केन। और फिर रूल दो क्या कहता है, द साइड चेन अटैच टू द मेन चेन इज नॉट एज ब्रांच्ड और सब्स्टिट्यूटेड और लॉकेंट, इसे को कहते हैं। फिर दूसरे रूल में ब्रांच्ड चेन हो या साइड चेन में जुड़ा हुआ उसका ध्यान रखें। रूल नंबर 3 क्या कहता है, तो नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन इज डन इन सच अ वे डैट द ब्रांच शुड अटेन एज फार एज मिनिमम पोजिशन लॉकेंट, मीन्स जो सबसे कम नज़दीकी से हमें लॉकेंट कार्बन चेन को नेमिंग करने में आसानी हो उसका फॉलो करेंगे। और देखिए रूल नंबर 4 क्या है, तो दोस्तों देख सकते हैं इफ सम अल्काइल ग्रुप इन प्रेजेंट एट ब्रांच्ड एट मोर देन वन टाइम देन वी राइट, अगर एक से ज़्यादा रहेगा ब्रांच चेन में लगा हुआ, तो अगर दो रहा तो डाई लिखेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, एंड सो इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जांपल, 2 नंबर पर CH3 डबल है, फिर 3 नंबर पर भी CH3 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को चूज करेंगे, उसके बाद ब्रांच चेन को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से नेमिंग किया गया, 2-2-3-3 टेट्रा मीन्स 4 हो गया, मिथाइल सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गया, हेक्सेन, तो इस तरह से नेमिंग किया गया। रोल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, तो इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट एज ब्रांच देम वी राइट देयर नेम इन ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल इन्फ्लुएंस। तो आप दोस्तों इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर एक ही चेन में दो या दो से अधिक अल्काइल ग्रुप दिया हुआ रहेगा तो आप किस तरह से नेमिंग करेंगे, तो आप अल्फाबेटिकल नेमिंग करेंगे, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, तो पहले ए अल्फाबेटिकल में ई आता है एम के पहले, तो आप देख सकते हैं नेमिंग किस तरह से किया जाएगा, तो 3-ethyl-2-methyl-hex। तो दोस्तों आप ही नेमिंग इसी तरह से करेंगे और आगे देखिए वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप रूल नंबर 6 क्या कहता है, इफ अ कंपाउंड मोर देन वन चेन ऑफ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट देन देयर चेन इज डैट इज विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच जो कंटेन करेगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे। और रूल नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप अगर नेमिंग करते हैं तो आप इसका प्रयोग रूल नंबर 7 का नहीं करते हैं, तो
आपका नोमेनक्लेचर गलत हो सकता है दोस्तों, तो आप इस पर ध्यान दें। अगर आप नेमिंग करने जा रहे हैं तो कॉमा का ध्यान रखें, दो नंबर हो हाइफ़न का ध्यान रखें नंबर और नेम के बीच में। तो दोस्तों देख सकते हैं एग्जांपल 2,2-dimethyl-3-ethyl-2-methyl-hexane। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो का लास्ट कर रहा हूँ, आगे वीडियो लंबा होने के कारण। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पूरा देखा तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।